सो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे सोनी के एक हेडफोन के बारे में। एक्चुअली ये हेडफोन है और जो पूरा ढका होता है, और इस हेडफोन की प्राइस सिर्फ और सिर्फ 800 रुपये या 850 रुपये मार्केट में आपको मिल जाएगा। अमेज़न पर ऑफ़र वगैरह में आपको मे बी 799 या ऐसे कुछ मिल जाए, बट ये बिलो 1000 या 900 रुपीज़ का बोल सकते हैं कि एक हेडफोन आपको यहाँ पे मिलने वाला है। काफ़ी मतलब कि बेस्ट ये मुझे लगा। ऑडियो क्वालिटी और हर चीज़ को मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, बट इस बॉक्स के अंदर क्या क्या सोनी हमें देता है इस चीज़ को हम लोग चेक कर लेते हैं, एंड देन फिर इसको देखते हैं कि इसके अंदर हमें मतलब कि एक एक्सपीरियंस कैसा मिलता है, और ये हमें इतना सस्ता सोनी का हेडफोन बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक्चुअली हम सब लोगों को पता है कि सोनी एक बेस्ट प्रोडक्ट डील करता है जब भी वो कोई भी प्रोडक्ट लाता है, चाहे उसका गेमिंग का कंसोल ले लो, चाहे वो लैपटॉप ले लो, बट लैपटॉप वगैरह तो भी बंद हो चुका है। और इसका साउंड क्वालिटी की अगर बात करें, चाहे हेडफोन हो, चाहे इसका होम थिएटर हो, चाहे इसका साउंड बार हो, एक नंबर का वहाँ पे आपको ऑडियो सुनने को मिलता है, बहुत ही बेस्ट ऑडियो क्वालिटी सुनने को मिलता है। तो ये एक सबसे सस्ता सोनी का सबसे सस्ता ये हेडफोन है, इसको हम लोग पूरा का पूरा एक्सपीरियंस करके देखते हैं और हमें बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए सारी डिटेल्स चेक करेंगे। चलिए अनबॉक्स करते हैं इसको, समझते हैं एक एक डिटेल्स को। सो इसको क्या ओपन करना, ऑलरेडी मैंने इसको ओपन कर रखा है और यहाँ पे देख सकते हो आपकी MDR ZX110A, मॉडल नंबर है, मेड इन चाइना है, और बाकी डिटेल्स ये सब चीजें दिया हुआ है। ओके, वाइट कलर का ये है, यहाँ पे मेंशन किया गया है, और ऑलरेडी मैंने इसको ओपन कर रखा है, तो इसके अंदर देखते हैं क्या मिलता है। तो इसके अंदर ज़्यादा पैकेजिंग का कोई मैं क्वालिटी में जीरो देना चाहूँगा, क्योंकि पैकेजिंग चाहे अमेजन की तरफ से हो चाहे सोनी की तरफ से, बिल्कुल बैड क्वालिटी का है। आप देख सकते हो पैकेज में बस यही है, बाकी कुछ नहीं है। तो मैं इसको साइड में रखता हूँ, एंड यहाँ पे कुछ इसका मैनुअल दिया हुआ है जो कि कोई नहीं फॉलो करता, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमारा हेडफोन कुछ इस तरीके से, मतलब ऐसे भी कोई पैकिंग करता है अगर हमें मिल जाए तो भी इससे बेटर तरीके की पैकिंग मैं करूँगा। वैसे यहाँ पे हेडफोन को मैंने देखा, ये ऐसा नहीं है कि कोई तरीके से किसी भी तरीके से डैमेज है, बिल्कुल ओके है, सारी चीज़ें हैं, बट आप देख सकते हो पैकिंग में बस इतना ही था। तो ये हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये एक बेस्ट पैकिंग नहीं हो सकती है। चलिए इसको हम रखते हैं साइड में, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ केबल लेंथ मिल जाता है, और केबल लेंथ इसका कितना होने वाला है चेक कर लेते हैं। आई थिंक अगर इसको आप मेजर करोगे तो ये 1.5 मीटर की केबल होगी, अप्रॉक्स 2 मीटर का भी केबल नहीं है। तो 1.5 मीटर ये बहुत है, इतना दूर भी लेकर हमें यूज करना नहीं होता है। और इसके अगर जैक की बात करें तो यहाँ पे मतलब कि एक अच्छे क्वालिटी का जैक मिल जाता है 3.5 mm का, जो मोबाइल हेडफोन, मोबाइल के लिए, लैपटॉप के लिए, डेस्कटॉप के लिए कहीं भी आप यूज कर सकते हो। मैकबुक पर भी ये काम करता है, मैकबुक प्रो जो मैंने लिया है उस पर मैं यूज करके देखा, तो ये प्रॉपर तरीके से काम करता है, कोई इशू नहीं आता। एंड इसके अगर केबल की क्वालिटी की बात करेंगे तो एक नंबर की यहाँ पे क्वालिटी मिल जाता है, आई थिंक ये डैमेज नहीं होने वाला है। बाकी इधर कोई इशू हो सकता है, बट केबल के अंदर कोई भी डैमेज नहीं होने वाला है, कोई इशू नहीं होगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो क्वालिटी और कुछ इस तरीके से है, एंड ये हेडफोन कुछ इस तरीके से आपको मिल जाता है। तो मैं इसको इस तरीके से कर लेता हूँ, एंड आप देखो ये कुछ एडजस्टेबल यहाँ पे मिल जाता है, आप अपने हेड साइज के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा एक फील यहाँ पे है, प्लास्टिक का है, कहीं पे भी एल्युमिनियम या कोई भी ऐसे मेटल बॉडी का यूज़ नहीं किया गया है। तो पूरा का पूरा ये आप देख सकते हो काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे होता है, और काफ़ी मतलब कि एक तरीके का प्रीमियम क्वालिटी आप बोल सकते हो इसको। ओके, अगर इसके कुशन की बात करें यहाँ पे ये देख सकते हो काफ़ी आरामदायक ये है, आपके कानों पे जरा सा भी ये मतलब कि चुभने वाला नहीं है, और ये सब चीज़ें। तो इसको मैं हटाता हूँ, आप देख सकते हो ये भी काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का है, और इधर भी ऐसे इसकी पैकिंग हुई है, तो इसको भी हम हटा देते हैं। ओके, नाउ यू कैन सी, आप देखो कुछ इस तरीके से इसका पूरा का पूरा प्रोडक्ट डिटेल है। अगर इसके ऑडियो क्वालिटी की बात करें तो वो मैं टेस्ट करके आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर बहुत हैवी आपको ऑडियो नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा लाउड में ऑडियो नहीं मिलता है, बट हाँ अगर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हो तो काफ़ी एक मतलब कि स्लो और एक तरीके का एक परफेक्ट वॉइस आपको मिलेगा, एंड थोड़ा सा लाउडनेस की कमी लगेगी, बट आई थिंक अगर आपको तेज़ ऑडियो पसंद नहीं है तो आप इसको ज़रूर बाई कर सकते हैं। ट्रेवल वगैरह की बात करें तो ज़्यादा इसमें ट्रेवल वगैरह नहीं मिलता, और
ट्रेवल वगैरह के लिए ज़्यादा वो मतलब वो भी नहीं है, ट्रेवल इन द सेंस जो मतलब कि कोई भी ऑडियो या वीडियो वो बेस एंड ट्रेवल, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें, तो ये एक बेस्ट मुझे लगा, ताकि जो भी मैं एडिटिंग और ये सब चीज़ें करता हूँ थोड़ा सा ऑडियो सुनना और ये सब चीज़ें रहती है, तो ऑडियो प्रॉपर तरीके से हम सुनकर फिर उसको प्रॉपर तरीके से एडिट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो का भी ऑडियो मैं इसी हेडफोन से सुनकर एडिट करूँगा एंड देखते हैं। बाकी इसका ऑडियो तो मैं सुना नहीं सकता क्या है कैसे है, बट जो मैंने एक्सपीरियंस फील किया वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आपको स्लो ऑडियो पसंद है, ज़्यादा लाउड में नहीं चाहिए, तो बिल्कुल इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हो। सोनी का है तो काफ़ी अच्छा है, मतलब कि क्वालिटी की बात करें तो एक नंबर की क्वालिटी है, बस पैकेजिंग में कुछ प्रॉब्लम थी, पैकेजिंग अच्छी नहीं थी, तो ये सारी चीज़ें। तो इसके ऑडियो क्वालिटी को चेक कर लेते हैं एक बार, और मैं अपने फ़ोन पर यूज़ कर लेता हूँ एंड मैं यहाँ पर सबसे पहले एक म्यूज़िक कोई भी सर्च कर लूँ। 3.5 एमएम है, तो कोई भी जो फ़ोन है, स्मार्टफोन है, लग जाएगा। आईफोन में तो नहीं लगेगा क्योंकि उसमें सी टाइप लगता है। सो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से ये सेट हो जाएगा एंड ये सारी चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं आप यहाँ पे। ये तो मतलब ये एक जो फील यहाँ पे दे रहा है इसका मैं बता दूँ तो ये काफ़ी बेस्ट आपको फील मिलता है यहाँ पे। और ऑडियो क्वालिटी तो बाहर की आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगा, और बेस वगैरह काफ़ी अच्छा एक नंबर का आपको मिलेगा। वही मैंने कहा कि अगर लाउड ऑडियो ऑडियो बहुत तेज़ आपको नहीं चाहिए तो बहुत परफेक्ट वॉइस आपको मिलेगी, मतलब कि आराम से इसको मतलब इन्जॉय कर सकते अपने म्यूज़िक का। एंड अगर मैं इसको हेडफोन के पास लगाऊं तो आप देख सकते हैं मतलब कि ऑडियो क्वालिटी, आई थिंक कितना सुनाई दिया होगा पता नहीं, बट ये सारी चीज़ें। तो एक परफेक्ट आपके लिए हेडफोन हो सकता है ये अंडर 800 और 900। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप बाय कर सकते हैं या आप अपने नियरेस्ट स्टोर से भी बाय कर सकते हैं, बहुत आसानी से आप इसको यूज़ कर लेंगे। तो चलिए बस आज की वीडियो में इतना ही, और आप भी अगर इसको बाय करते हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि क्या है कैसे है, और एक्सपीरियंस शेयर करिएगा, फ़ोटो लेकर हमारे इंस्टा पर टैग करिएगा, और देखा जाएगा फिर कैसा एक्सपीरियंस इसका, कितना लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।